अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जायका हाउस। जायका हाउस में आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक, वो भी इस लॉकडाउन में। आपको बाहर से केक तो मिलेगा नहीं, अगर आपके घर में किसी का बर्थडे है तो आप बिना केक के बर्थडे बिल्कुल मत मनाइए। इस तरह केक आप ट्राई कीजिए, ज़रूर पसंद आएगा। और तो इसे ट्राई करने के लिए आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने लेफ्ट ओवर बिस्किट ले लिए हैं। अब मैं एक मिक्सी का जार ले लूँगी और इसमें ये सारी बिस्किट डालकर इसे पीस लूँगी। हम चूल्हे पर इस केक को बेक करेंगे, तो जब भी आप चूल्हे पर बेक करें या ओवन में भी बेक करें तो प्री हीट करना पड़ता है। तो मैंने 10 मिनट हो चुका है, मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया है और ये 10 मिनट से प्री हीट हो रहा है। बिस्किट को मैंने पीस लिया, अब मैं इसमें डालूँगी दूध। दूध आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहना चाहिए। अब इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून कोको पाउडर और इसे पीस लूँगी। ये बिल्कुल सही है, ये जब आप पीस लेंगे तो ये ऐसा रहना चाहिए बैटर, ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा एकदम बिल्कुल पतला ना हो, ऐसा हो। अब मैं इसमें डालूँगी वेनिला एसेंस। मैंने इसे पीस लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है बैटर, ऐसा बैटर आपका होगा, ना बहुत ज़्यादा थिक होगा और ना ही ज़्यादा बिल्कुल रनी जैसा रहे, वो वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा रहे। अब मैं इसमें वेनिला एसेंस डालूँगी। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास वेनिला है तो मैं ये डाल रही हूँ। मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून और इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अब हम एक मोल्ड ले लेंगे केक का और इसे मैं बटर से या ऑयल से भी आप कर सकते हैं, इसे मैं ग्रीस कर दूँगी। मैंने मोल्ड को ग्रीस कर लिया है, अब मैं ये जो केक का बैटर है इसे मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। मोल्ड में मैंने बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया है, अब मैं इसमें डालूँगी चॉकलेट चिप, वाइट चॉकलेट चिप और ब्राउन वाले भी हैं तो वो भी डाल देती हूँ थोड़े से, और इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये अंदर भी अच्छी तरह से चले जाएं। चॉकलेट चिप मैंने मिक्स कर दिया, अब मैं थोड़े से ऊपर भी डाल देती हूँ, वाइट भी डाल देती हूँ और ब्राउन भी, आपके पास अगर ना हो तो ना डालें। और थोड़ा सा हम मोल्ड को टैप कर देंगे। अब मैं इसे प्री हीटेड पैन में रख देती हूँ। अब मैं इसके अंदर इसको डाल देती हूँ। केक के मोल्ड को मैंने पैन में डाल दिया है, अब मैं चूल्हे को 5 मिनट के लिए फास्ट करूँगी, उसके बाद मैं 40 मिनट्स के लिए इसे लो फ्लेम पर पकने दूँगी। 40 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब मैं अपना केक चेक कर लेती हूँ। एक टूथपिक लेंगे, अगर आपके पास टूथपिक ना हो तो आप छुरी से भी चेक कर सकते हैं। टूथपिक क्लियर आ गई है तो इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा होने दूँगी। केक ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको आराम से, बहुत ही आसानी से निकल गया है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर का छुरी से काट दूंगी। मैंने केक का थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा काट दिया है, अगर आप इसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं तो काटें, वरना एज इट इज़ आप सर्व कर सकते हैं, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूँगी इसलिए मैंने इसे काटा है। अब मैं इस पर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ग्रिजल करूँगी। मैंने ऊपर से चॉकलेट सॉस डाल दिया है, अब हम आपके पास जो
चीज़ हो अवेलेबल आपके पास उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास चोको स्टिक है तो मैं वो अभी लगा देती हूँ इसमें। चोको स्टिक मैंने लगा दिया, अब एक चॉकलेट का पीस लगा देंगे। ये मेरे पास चॉकलेट स्प्रिंकल है, मैं ये भी डाल देती हूँ इसमें। आपको थोड़ा पसंद हो तो एक साइड में ही डालें, मैं पूरे में डाल दे रही हूँ। ये मेरे पास गोल्ड चॉकलेट चिप भी है तो ये भी मैं थोड़ा सा गोल्ड चॉकलेट स्प्रिंकल भी डाल दे रही हूँ मैं। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसे अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं। केक तो कैसे बनता है मैं आपको बता ही चुकी हूँ और बहुत ही सॉफ्ट बना है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल भी मेहनत नहीं हुई है इसमें और आपका केक बनकर तैयार है। इस लॉकडाउन में बाहर से तो आपको केक मिलने वाला नहीं है तो आप इसे घर में इस तरह से बना सकते हैं। तो देखा आपने कितना झटपट हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।